सर ठंड हो चाहे गर्मी हो ये हमें बना के देना पड़ेगा। कभी मैच देखना होता है तो टीवी पे या मोबाइल पे देखते थे, उसमें वो है रोजर फेडर तो अच्छा लगते हैं मुझे। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है, मैं 2014 से खेतानी स्कूल में बॉल बॉय के पद पे यहाँ लगा। इससे पहले मैं ऑफिस में काम करता था कहीं। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं पहले क्लब में काम करता था, क्ले कोर्ट ही बनाता था, वहाँ से फिर मैं यहाँ आ गया, मुझे यहाँ हो गए 10-11 साल। जब मैं स्कूल में आया ये लाइन का काम और कोट बनाना ये सब मैं यहीं सीखा। ये सीखा मैंने, ये ऐसे था कि जो बनाने वाले आए नहीं थे तो मेरे पीछे पड़े थे बहुत कि तुम बना लेते हो यार, तो मैं फंटी लगाता था इसमें, मैं सिखाया तो बंसी बाएंगे। 7:30 बजे हम लोग आ जाते हैं तो उससे पहले यहाँ आके कोट बना देते हैं। पानी ऐसे लगाना पड़ता है कि जैसे न ज़्यादा गीला हो न ज़्यादा सूखा भी हो, सूखने पे भी ये स्लिप करता है सर। पानी लगाने के बाद नेट लगाना पड़ता है, वो नेट दोनों हाथ पकड़ के नेट से इसको घिस के नेट को अब फिर बराबर करते हैं। नेट लगाने के बाद लाइंस बनाने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, रस्सी जब सेंटर टू सेंटर मिला के घिसो तो लाइन बन जाता है, उस पर लाइनिंग वो फरमा से सीधा सीधा लाइन बनाते हैं। उसके बाद और महीने में एक बार करके रोलिंग भी होता है। तो मैं आता हूँ सुबह तो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के फिर जिनके पानी मारते हैं, पानी मार के फिर मैट मारते हैं। जैसे बारिश हो जाती है ना तो ये धुल जाता है। लाल वाली बजरी को छानते हैं, छानने के मौजूद में कट्टों में भर के फिर इसमें डालते हैं, कट्टों में डाल के फिर इसमें फैलाते हैं फंटी से फैला के फिर मैट मारते हैं, मैट मार के फिर पानी लगाते हैं सर, पानी मार के फिर मैट लगा देते हैं, फिर इसकी जो धारी है ना वाइट वाली वो साफ करके हमको देनी पड़ती हैं जब खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें सर लग जाता है कोई 1-1.5 घंटा। जैसे कभी जल्दी आ जाना, कोर्ट जल्दी बन जाने के बाद अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत अपने से करते थे तो अच्छा लगता था। उसके बाद धीरे धीरे जब कोर्ट बनना हो गया तो हम यहीं थोड़ा बहुत बॉल हिटिंग करना ये करना करते करते थोड़ा बहुत तो मुझे हल्का आ गया था। सर जब टूर्नामेंट होता है ना तो जैसे आपका कोई खिलाड़ी आ गए तो खेलने के लिए तो हमें पहले ये कोर्ट बना के देना पड़ेगा, उसके बाद में कोर्ट बना के देना पड़ेगा, धारी साफ करनी पड़ेगी, हर घंटे के हिसाब में ही करना पड़ेगा सर। जैसे आपकी टीम खोल के चली गई तो फिर पानी लगाना, फिर मैट लगाना, फिर धारी लगानी, मतलब साफ करके क्लीन देनी। ये जो रोशन है इसको टेनिस भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये फ्री टाइम में जब भी उसे टाइम मिलता है तो हम जो कराते हैं हमें देख के वो काफ़ी सीखता है। इस कोर्ट की पूरी लाइफ को देखने वाले यही हैं इंसान है कि यही इनकी लाइफ बना के रखते हैं, जितनी मतलब ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा कोर्ट चलेगा, ये इनका मेन मकसद रहता है।